भारत नाटो में शामिल होने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका ऐसा चाहता है। आप सोच रहे होंगे नाटो के मुद्दे पर तो पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यूक्रेन ना नाटो में जाने की जिद करता और ना ही रूस यूक्रेन पर हमला करता। दरअसल नाटो की एक अधिकारी जूलियन स्मिथ ने कहा कि गठबंधन भारत के साथ और ज्यादा बातचीत के लिए खुला है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि नाटो और कुछ भारतीय अधिकारियों के बीच अनौपचारिक वार्ता भी हो चुकी है। जूलियन स्मिथ, जो कि नाटो में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि हैं, का ये बयान चौंकाने वाला है। जूलियन स्मिथ ने कहा, रायसीना डायलॉग से इधर कुछ आदान प्रदान हुए हैं, जो एक शुरुआत है और बातचीत को थोड़ा खोल दिया है। ये संदेश पहले भी भारत को दिया जा चुका है कि नाटो गठबंधन के तौर पर निश्चित रूप से भारत के साथ और ज्यादा करीब होना चाहता है। बता दें, नाटो में इस समय 40 देश जुड़े हैं। 4 और 5 अप्रैल को ब्रसेल्स में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी होनी है। इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान को भी शामिल होने का आमंत्रण मिला है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के ये चारों देश नाटो के औपचारिक साझेदार हैं। एक सवाल के जवाब में स्मिथ ने कहा, भविष्य में भारत के शामिल होने के लिए नाटो का दरवाजा खुला है, लेकिन भारत की भी दिलचस्पी होनी चाहिए। जब तक भारत की रुचि के बारे में पता नहीं लगता है, तब तक भारत को मंत्री स्तरीय मीटिंग का इनवाइट नहीं मिल सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो की अमेरिकी अधिकारी की ये टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है। यूक्रेन युद्ध में भारत की अभी तक जिस तरह की भूमिका रही है, उससे दुनिया के तमाम देश प्रभावित हैं। साथ ही भारत का रूस के साथ भी अच्छा संबंध रहा है। ऐसे में भारत का क्या रुख होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नाटो का ये बयान तब आया जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग के लिए नाटो को ही दोषी ठहराया है। हालांकि नाटो हमेशा से ही इस बात को इनकार करते आया है। भारत को कई बार नाटो में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। एक तरीके से देखें तो ये बयान हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच आया है। दरअसल चीन के विस्तारवादी नीति के सामने भारत अहम रोड़ा बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका भी भारत के सहयोग से चीन को रोकने की कोशिशों में है। इसके चलते ही अमेरिका ने नाटो में भारत को जगह देने की नीति बनाई है।